हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है भारतीय जलवायु को पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम भारतीय मानसून को देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मानसून के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनको देखा, और किस तरीके से भारतीय मानसून पर क्या कारक थे जिनका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है, उसको हमने सिस्टमेटिक रूप से कल पढ़ा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम भारतीय मानसून को जानेंगे और देखेंगे कि भारतीय मानसून किस प्रकार से जो है पूरे भारत में जो है पूर्व भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, और किस प्रकार से पूरे भारत में फैलकर वर्षा कराने का कार्य करता है, और मानसून होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस प्रकार से मानसून दो शाखाओं में बंटकर, ठीक है, पूरे भारत को जो है वर्षा आच्छादित करता है, और किस प्रकार से कहाँ से मानसूनी पवनें चलती हैं, इसी उसके संबंध में चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय मानसून की। सबसे पहले मानसून शब्द को समझते हैं। ये जो मानसून शब्द है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द था। ठीक है, पहली बार जो इस शब्द का प्रयोग किया गया था या इस मानसून के बारे में वर्णन किया गया था, हालांकि शब्द का प्रयोग तो शायद हिप्पालस ने किया था, परंतु जो इसके बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था वो अल मसूदे के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए अब एक नज़र इस पर डाल दें कि आखिर मानसून होता क्या है और किन पवनों को या किन हवाओं को अल मसूदे ने पवन मानसून का नाम दिया। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वायुदाब प्रवणता के कारण, वायुदाब प्रवणता मीन्स जब किसी दो जगह में यानी दो स्थितियों, ऐसा कह सकते हैं कि किसी दो जगहों में यानी स्थानों पर किसमें दाब में परिवर्तन हो जाता है, ताप के कारण दाब में परिवर्तन हो जाता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और इन हवाओं के कारण ही, ये जो हवाएं किसके कारण चली, अब पर दाब प्रवणता के कारण जो हवाएं यानी पवनें चली, देखेंगे हवने और पवनों को भी हम अलग कर सकते हैं, हालांकि अगर आप करना चाहें तो पवन उनको बोलते हैं जो क्षैतिज चलती हैं, और हवा उनको बोलते हैं जो कि आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती हैं। ये अगर आप समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं। तो हमने बात की कि वायुदाब प्रवणता के कारण जो आपकी पवनें हैं जब उनकी दिशाओं में परिवर्तन हो, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भारतीय जो मानसूनी पवनें हैं वो छः महीना एक दिशा में और छः महीना उसके विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं, तो इन हवाओं या इन पवनों को ही क्या कहा जाता है, मानसूनी पवनें कहा जाता है। इसी आधार पर हमने जो भारत की जलवायु को डिफाइन किया था पिछली वीडियो में, वो क्या कहा था कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप अब मानसून का मतलब समझ गए होंगे, यानी मानसूनी हवाएं हमने किसने किन को कहा, हमने उन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहा जिनकी दिशा मौसम परिवर्तन के कारण या ऋतु परिवर्तन के कारण जो है बदलती रहती है। ऐसे भी कह सकते हो यह दाब परिवर्तन के कारण। देखो, जब हमने वायुदाब प्रवणता कहा तो वायुदाब प्रवणता कब होगा, जब ऋतुएं परिवर्तन होंगी, क्योंकि ऋतु परिवर्तन कब होंगी, जब सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही वायुदाब में परिवर्तन होगा, यानी वायुदाब बदलेगा, और वायुदाब बदलने का मुख्य कारण क्या है, मौसम का परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन के कारण, मौसम तो नहीं कहना चाहिए, ऋतु कहना चाहिए, ऋतु परिवर्तन के कारण जो है पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होगा, होने मतलब परिवर्तन होता है, उन हवाओं या उन पवनों को ही क्या कहते हैं, आपको मानसूनी पवनें कहा जाता है, यानी मानसून कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय मानसून के संबंध में थोड़ा सा समझते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो कुछ इस दिशा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो भारतीय मानसून को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इस पर जो है वर्क करना पड़ेगा। देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो क्षेत्र है आपका कैसा क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे आपको पता है कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है इसके बीच ही अपने आप को जो है गतिशील करता रहता है, तो होता क्या है कि साल में एक बार वो कर्क रेखा पर और एक बार वो मकर रेखा पर, और जबकि दो बार वो विषुवत रेखा पर होते हुए जो अपनी गति करता है। ठीक है,
तो यानी एक बार हम कह सकते हैं कि उत्तरायण की स्थिति होती है, एक बार आपकी दक्षिणायन की स्थिति होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इनके उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ही हम देख सकते हैं कि मौसम यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अगर मैं भारतीय मानसून की बात करूँ तो देखिए, चूँकि ये जो क्षेत्र है आपका विषुवतीय क्षेत्र, या आप इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, हमेशा वर्ष भर इसमें सर जो है आपकी जो सूर्य का प्रकाश है वो जो है आपको वर्ष भर मिलेगा। यहाँ पे वर्ष भर जो है सूर्य इसमें इसमें इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, यानी उसकी ऊष्मा आपको यहाँ पे दिखाई देगी, मतलब मिलेगी इस क्षेत्र को। तो सूर्य जब इस क्षेत्र में जो है पूर्व वर्ष भर चमकेगा, तो चूंकि इस क्षेत्र में आपको जल की मात्रा भी दिखाई देगी, और अगर विश्व में हम देखें तो यहाँ पे आपको अन्य देश भी दिखाई देंगे, अर्थात आपको स्थलीय भाग और आपको क्या जलीय भाग दिखाई देगा। अब चूंकि जल की और स्थल की प्रकृति में थोड़ी भिन्नता हमें पाई जाती है, जल की प्रवृत्ति ये होती है कि ये देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है, जबकि स्थलीय जल की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब सूर्य सपोज कीजिए, अगर हम भारत के संबंध में बात करें, चूंकि हमें भारतीय मानसून को पढ़ते हैं तो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखेंगे। अब अगर मैं भारत में बात करूँ, तो भारत में जब सूर्य कर्क रहता कहाँ पर होता है, यानी आपका 21 जून में यहाँ पर भारत कहाँ होता है आपके इधर उत्तरायण होता है। 21 जून में भारत में मतलब 21 जून में जो सूर्य है वो उत्तरायण की स्थिति में होता है, अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो उस मौसम के दौरान होगा क्या कि ये वाला जो क्षेत्र है, भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य की जो प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है या इसका ताप है वो अधिक मात्रा में होगा, और जब अधिक मात्रा में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो दाब है वो कम होने लगेगा, ठीक है। जब दाब कम होगा तो हवाएं जो हैं दाब कम होगा और इस क्षेत्र में चूंकि यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश कम है, तो इस क्षेत्र से हवाएं यहाँ पे उच्च दाब हो जाएगा, तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर गतिशील होगी, और यानी यहाँ से हवाएं इस ओर भारत की ओर गतिशील होंगी। और चूंकि ये हवाएं फेरल का नियम हमने बताया था कि जब भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको प्रवाहित होंगी तो उनकी दिशा कुछ इस प्रकार होंगी, मतलब कैसी दिशा होगी उनकी, आप कह सकते हैं कि देखो हवाओं का जो, अब अगर आपको हवाओं की उत्पत्ति देखनी है, उनकी दिशा का निर्धारण करना है, तो जब भी हवाओं का निर्धारण करते हैं तो उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहाँ से उनकी दिशा बताते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इस दिशा में जो है हवाएं जा रही, तो ये दिशा आपकी कौन सी बैठती है, ये आपकी हम कह सकते हैं कि दक्षिण और पूर्व दिशा है, यानी आ कहाँ से रही है वो दिशा देखेंगे, तो दक्षिण पूर्व दिशा, तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से जो है पवने भारत में प्रवेश करेंगी, ठीक है। यानी ये क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पे आपका आपका उच्च दाब बन जाएगा, उच्च दाब, और यहाँ पे निम्न दाब होगा, और इसका कारण क्या होगा कि चूंकि ये स्थलीय भाग है, और भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में स्थलीय भाग है, तो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा, जबकि जल जो है देर से गर्म और देर से ठंडा होते हैं। तो चूंकि इस क्षेत्र में आपको उच्च दाब क्षेत्र दिखाई देगा और यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र होगा, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, जब वो हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे जो क्षेत्र जो दाब उत्पन्न हुआ या यहाँ की जो हवाएं हैं वो तो ऊपर उठ गई, तो यहाँ से जो हवा चलने वाली है वो इस ओर जो है प्रभावित होंगी, और इस ओर प्रभावित होने के कारण जल से ये जो है, तो यानी आपका अगर मैं यहाँ यहाँ इसको दर्शाना चाहूँ तो यहाँ से हवाएं जो हैं इस दिशा में प्रवाहित होने का मतलब होने लग जाएंगी, इस तरीके से ये भारत में जो है हवाएं प्रवेश करेंगी। और सबसे पहले हवा में जो भारत में ये हवाएं प्रवेश करेंगी यानी पवने प्रवेश करेंगी, वो केरल के मानाबार तट पर जो है प्रवेश करती हैं, और फिर आगे चल कर ये क्या होती है कि दो अलग अलग दिशाओं में बट जाती है, मतलब इसको ये अगर आपकी अरब शाखा है, अरब सागर है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो मानसून भी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में जो आपका बट जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ। कहते हैं कि मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। जैसे एक चीज़ और देखेंगे कि भारतीय मानसून की दिशा दक्षिण पूर्व है। देख अगर मैं बात करूं कि मानसून भारत में प्रवेश किधर से कर रहा है, इस दिशा से, तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी, दक्षिण और पूर्व दिशा। यानी मैंने आपको बताया था कि जहां से उत्पत्ति हो रही है
हवाओं की पवन होगी, उसी का उसको नाम देंगे। तो ये दिशा आपकी कौन सी है, दक्षिण, और किधर, दक्षिण पूर्व दिशा। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी मानसून का इसको हम नाम दे सकते हैं, यानी भारतीय मानसून की जो दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। और हम कह सकते हैं कि भारत में जो मानसून प्रवेश करता है उसकी दिशा जो है दक्षिण पूर्वी मानसून होता है। ठीक है, तो मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुँचता है और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है तथा सबसे अंत में यह पंजाब में पहुंचता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब 1 जून को यह मालाबार तट पर पहुंचता है, फिर धीरे धीरे 5 जून और धीरे धीरे यहाँ पर आपका 10 जून 15 जून 1 जुलाई और 15 जुलाई तक पूरे भारत में यह फैल जाता है। ठीक है, ये हमने बात की। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु और कच्छ में वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती, आइए इसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, हालांकि जब हम अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होगी उसको समझेंगे तो उसको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जब इधर से मानसून प्रवेश करता है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पश्चिमी घाट, और यहाँ पे आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ दिखाई देती है। चूँकि केरल के क्षेत्र में ये जो है मुख्य रूप से पहुँचता है, तो यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ हैं ये क्या करती हैं, इसका जो ये वाली दिशा होती है यानी इस ओर वर्षा अच्छे से होती है, जबकि इस ओर वर्षा इतने अच्छे तरीके से नहीं होती, मतलब उतनी मात्रा उसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती इसको समझेंगे, देखेंगे। इसको बोलते हैं छायावृष्टि क्षेत्र, क्योंकि उधर क्या बोलते हैं छायावृष्टि क्षेत्र विकसित हो जाता है। किस प्रकार से, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। जब पवन इस दिशा में इस प्रकार से जो है पर्वतों से टकराती है, तो पर्वतों से टकराने के पश्चात ये ऊपर उठती है और ऊपर बादलों का निर्माण कर लेती है, और बादलों का निर्माण करने के बाद ये यहाँ पर वर्षा जमाझम करा देती हैं। और इस क्षेत्र में ये बादल नहीं पहुँच पाते, जिस कारण इधर वर्षा आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, होगी भी लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वर्षा होगी वो पवना अभिमुखी वर्षा होगी, और जबकि ये जो वर्षा होगी जो कि बहुत कम मात्रा में होगी जिसको पवना विमुखी वर्षा कहेंगे, और ये वर्षा की मात्रा कम होगी क्योंकि इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अगर जब भारत की हम दक्षिणी पश्चिमी जो है मानसून की जो अरब सागरीय शाखा को पढ़ेंगे और देखेंगे इस शाखा से भारत में किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती है, तब हम देखेंगे कि इन पर्वतों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय क्षेत्रों में वर्षा कराने के लिए, कि कितना इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम अरब सागरीय शाखा को पढ़ेंगे, इसका अभी पार्ट देखेंगे, और फिर बंगाल की खाड़ी को पढ़ेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ इनका कितना महत्व है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझे होंगे और मानसून की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आई होगी। हालांकि ये मानसून बहुत बड़ा विस्तृत चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ यही फैक्ट नहीं और भी कारण हम देखते हैं, कई सिद्धांत इसके बारे में दिए गए, जैसे आपने सुना होगा तापीय संकल्पना का सिद्धांत। ठीक है, और भी आज के जिसको आज जो हम देखते हैं कि मोनेक्स थ्योरी पढ़ते हैं, अल नीनो ला नीना, क्या प्रभाव भारतीय जो है भारतीय मानसून पर पड़ते हैं उन चीज़ों का, और आप पढ़े होंगे कि आपने ला नीना पढ़ा, अल नीनो, और आप एक चीज़ और पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा। तो उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका वनडे एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम में यहाँ से अमूमन क्वेश्चन जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होते हैं, तो यहाँ से मैं समझता हूँ ये आप सीखे होंगे। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से अरब सागरीय शाखा की, किस प्रकार से अरब सागरीय शाखा जो है भारत में वर्षा कराती है, और उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी की शाखा देखेंगे और देखेंगे कि क्या मुख्य कारण है कि, मतलब कि जो मेघालय के मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, उस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए अब समझते हैं अरब सागरीय शाखा को। तो आइए अब भारतीय मानसून की अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की शाखाओं को समझें, लेकिन उससे पहले आइए एक बार हम थोड़ा सा 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी देखा, ताकि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिस ना समझ आया हो तो वो समझ आ जाए। देखिए, हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि भारत में मानसून का प्रवेश किस प्रकार से होता है। मैंने बताया कि सूर्य इन दोनों जो है रेखाओं के बीच में जो है अपनी गतिशील करता रहता है। अब ये क्षेत्र चूंकि गर्म है, जो गर्म क्षेत्र होगा तो वहाँ पे कैसी स्थिति बन जाएगी। देखो, अगर मैं भारत के हम चूंकि बात भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, और मैंने बताया कि जो स्थल का ताप होता है वो मतलब स्थल जल देर से गर्म जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, जबकि जल जो है वो देर से गर्म देर से ठंडा होता है। तो
देखो यहाँ पर कैटेगरी भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम देख सकते हैं संबंध में शीत ऋतु की, और हम संबंध में देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु की। लेकिन जब हम यहाँ बात करें भारतीय मानसून की, तो भारतीय मानसून भारत में कैसे प्रवेश करते हैं, हवाएं किस प्रकार चलती हैं, हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हवाएं कैसे इस दिशा में यहाँ पर होंगी, चूँकि ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा और यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र हो जाएगा। देखेंगे एक इसको समझें कि सपोज कीजिए, चलो यहाँ से समझते हैं, इस चित्र से समझते हैं, ये आपका जल है और ये आपका स्थलीय भाग है। अगर सूरज का प्रकाश सपोज कीजिए जल पर, यहाँ पर इस पर जल पर पड़ता है, तो जल देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो इसमें क्या होगा, जबकि स्थल जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है, तो अगर सूर्य का प्रकाश इन दोनों जो है दोनों स्थल दोनों जो जगह है जो स्थल है उन पर पड़ रहा है, तो इस जल की यानी इस समुद्र के जल की अपेक्षा ये स्थल क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगेंगी, और ऊपर उठने लगेंगी और यहाँ पे कैसा निम्न दाब क्षेत्र का जो है निम्न दाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको क्या होगा, क्योंकि ये देर से जो है गर्म होगा, तो यहाँ से जो हवाएं हैं जो ठंडी हवाएं, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूँकि ठंडी हवाएं, तो यहाँ पे कैसा क्षेत्र होगा, उच्च दाब होगा, उच्च दाब होगा। तो चूँकि हवाएं की प्रकृति या पवनों की प्रवृत्ति ये होती है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं जो है प्रवृत्ति होंगी, जिनको समुद्री समीर भी कहा जाता है। तो उन समुद्री समीर के कारण ही फिर क्या होता है कि ये जहाँ यहाँ से बादल बादलों का निर्माण होता है, मतलब हवाएं इस दिशा में चलती हैं। अब ये जब हवाएं, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, जब ये हवाएं इस क्षेत्र से इस ओर बहती हैं, मतलब भारत की ओर जो है आकर्षित होती है, तो आकर्षित होने के बाद ये इस वाले क्षेत्र से यानी हिंद महासागरीय क्षेत्र से जो है क्या नमी की मात्रा लेके अपने साथ आती हैं, और भारत में आने के बाद ये क्या करती है, संघनन की प्रक्रिया करने के पर के बाद जो है किसका निर्माण कर लेती है, बादलों का निर्माण कर लिया है। और फिर ये बादल जब पश्चिमी घाट और इन पर्वतों से टकराते हैं, तो भारत में वर्षा कराते हैं, ठीक है। और जब मैंने बताया कि ये जो आपकी मानसूनी हवाएं हैं ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, जिनको हम पश्चिम बंगाल की शाखा और अरब सागरीय शाखा कहते हैं। तो अगर मैं अब बात करूं कि भारतीय शाखा किस प्रकार है, आइए उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्षा किस प्रकार, हालांकि मैंने बता दिया कि यहाँ पे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है या हाँ हाँ यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहाँ से क्या होगा, इवोपरेशन होगा यानी वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के कारण यहाँ पे क्या होगा, बादलों का निर्माण हो जाएगा, और बादलों के निर्माण के कारण जब बादल संघनित हो जाएंगे, तो फिर ये किसी जो है पर्वत से टकराकर वर्षा करा देते हैं। और जैसे कि मैंने अभी एक पार्ट में बताया कि अगर इस ओर वर्षा होगी तो उसको पवनाभिमुख कहेंगे, और इधर वर्षा होगी तो पवनाभिमुख कहेंगे, यानी इधर कम वर्षा होगी इधर ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। तो वही क्षेत्र हम वही जो है प्रक्रिया हमें भारत के जो क्षेत्र है उसमें दिखाई देती है। चलिए सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे जो अरब सागरीय शाखा है। देखिए अरब सागरीय से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो अरब सागरीय शाखा है तो इसको हमने क्या कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा है, ये कहाँ मुख्य रूप से मालाबार तट यानी केरल के जो है भाग में वर्षा कराएगी। लेकिन ये जो तमिलनाडु का भाग है, क्योंकि ये किसके, ये आपका पश्चिम घाट है, और पश्चिम घाट के कैसे में वरिष्ठ छाया क्षेत्र में पहुँचेगी, तो आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं दिखाई देगी। इस क्षेत्र में झमाझम वर्षा होगी, अच्छे से वर्षा होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो जो आपका पश्चिमी घाट वाला प्रदेश है, पश्चिमी घाट है, ये हमेशा हरा भरा, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट एरिया में है, क्योंकि यहाँ पे जैविक विविधताएं आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा की मात्रा अत्यधिक होती है। वर्षा की मात्रा अत्यधिक होगी तो यहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे जो है अच्छे से होंगे। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो है आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में विविधताएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यानी ये क्षेत्र आपका क्या होगा, आपका जो अरब सागरीय शाखा है उससे वर्षा होगी, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये वाले क्षेत्र में क्या होगा, क्योंकि ये क्षेत्र आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, तो इस कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होगी। और इस वर्षा की मात्रा कम होने के कारण आप लोग देखते होंगे कि महाराष्ट्र का वो विदर्भ वाला एरिया, वहाँ पे क्या होता है कि सूखा वगैरह की समस्या देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें भी हम
समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि इसका कुछ भाग यानी हमने यहाँ तक इससे वर्षा करा दी, और मैंने बताया कि ये पूरे भारत में जो है धीरे 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 विकसित हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 1 जून, फिर 5 जून, फिर 10 जून, फिर जुलाई आपका इस तरीके से 15 जुलाई तक पूरे भारत में जो है फैल जाएगा। लेकिन हम अब मौके फोकस कर रहे थे अरब सागरीय शाखा की कि अरब सागरीय किस किस क्षेत्र में जो है वर्षा कराएगी। तो मैंने आपको ये बताया कि इस क्षेत्र में वर्षा होगी, इससे इस वाले क्षेत्र में वर्षा होगी। अब जब से ही ये आपकी अरब सागरीय शाखा यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर क्या होती है, 3 भागों में विभाजित हो जाती है। आइए देखेंगे, इसका कुछ भाग नर्मदा घाटी व गुजरात में वर्षा कराता है। नर्मदा घाटी में ये वाले, चूँकि यहाँ पर क्या है, ये आपका विंध्यांचल पर्वत और ये आपका सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पे बहती है आपकी नर्मदा नदी, तो इसको नर्मदा, क्योंकि ये भ्रंश घाटी के रूप में नर्मदा नदी बहती है, तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा जो है नर्मदा घाटी कह सकते हैं हम इसको, यानी नर्मदा घाटी में जो अरब सागरीय शाखा है उससे वर्षा होगी। ठीक है, और एक आग गुजरात में वर्षा होगी। गुजरात में किस प्रकार से, जब ये हवाएं इस प्रकार यानी ये शाखाएं इस प्रकार आएंगी तो यहाँ पे आपके पड़ते हैं गिर पर्वत यहाँ पे पड़ते हैं, तो इस गिर पर्वत से ये हवाएं यानी ये बादल टकराने के बाद इस क्षेत्र में झमाझम वर्षा कराएंगे। जबकि ये जो आपका कच्छ का क्षेत्र देख रहे हैं, चूंकि ये किसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होने के कारण हम इसको मरुस्थलीय भाग कह सकते हैं, और यहाँ पे हमें सफ़ेद मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही कारण है कि कच्छ केरल में वर्षा की मात्रा नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट हमने देखा कि ये आपका जो नर्मदा घाटी है उसमें प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद विंध्याचल पर्वत से टकराता है तो यहाँ पे वर्षा इस क्षेत्र में वर्षा कराता है, फिर इधर जाके आपका सतपुड़ा से टकराता है, तो मतलब इस क्षेत्र में जो है अच्छे से वर्षा कराता है। ठीक है, और इसके कराने के कारण ही यहाँ पे जो एक नदी बहती है आपकी नर्मदा नदी में बहुत जो है पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस पानी के बढ़ जाने के कारण ही इसको जो है हम इसको जो इस नदी को क्या इसको बोलते हैं, दबंग नदी भी कहते हैं, दबंग नदी का, इसीलिए नर्मदा नदी को दबंग नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलेंगे, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसकी ये शाखा की जो कि अरावली पर्वत के समांतर जाती है। जब चूँकि देखेंगे, जब भी कहीं वर्षा हो रही है तो मुख्य कारण क्या बन रहा है कि ये जो शाखाएं हैं, ये जो आप ये पवने हैं, ये किसी न किसी पर्वत श्रृंखला से या किसी जो है पर्वत से टकरा दिए, पर्वत से टकराने के बाद ही जो है ये वर्षा करा रही है। लेकिन जैसे ही ये शाखा अरावली के क्षेत्र में पहुंचती है तो अरावली चूंकि जो आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसके समांतर पड़ती है, और समांतर होने के कारण ये उनको नहीं रोक पाती, इस कारण ये जो आपका राजस्थान वाला पार्ट है यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, फिर जैसे ही ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के पश्चात दिल्ली में आपको रायसीना की पहाड़ी दिखाई देती है, तो रायसीना की पहाड़ी से टकरा कर चूंकि रायसीना की पहाड़ी छोटी है तो यहाँ से टकराने के बाद ही कम वर्षा कराती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जब बढ़ने के बाद ये उत्तराखंड में आपको जो है भीषण वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो जितना भी आपका नमी थी ये सारी की सारी कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहाड़ अत्यधिक मात्रा में, तो यहाँ पे जो है झमाझम वर्षा करा देती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इसका कुछ भाग नर्मदा नदी व नर्मदा घाटी और गुजरात घाटी, गुजरात में जो है वर्षा कराता है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। और जो मैंने कारण बताया कि इस क्षेत्र में वर्षा क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो समांतर पड़ जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के। यह शाखा दिल्ली के रायसीना पहाड़ी से टकरा कर वर्षा कराती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और ये टकरा कर भी वापस आ जाती है, और चूंकि टकरा कर वापस आने के बाद इसके पास उतनी जो नमी नहीं रह पाती, यानी उतनी जो है अब वर्षा की मात्रा, या हम कह सकते हैं कि उतनी जो है नमी नहीं है, तो इस कारण यह यहीं पे जो है थोड़ा रुक जाती है। ठीक है, और उसी समय पे जिस समय पे यह यहाँ पे पहुँचती है, इधर से आपकी कौन सी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो भी मतलब पहुंच जाती है। आइए देखते हैं कैसे इस शाखा, यानी अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा की कि वो किस किस क्षेत्रों में वर्षा कराती है और कैसे कैसे वर्षा कराती है। तो कहता है कि इस शाखा का कुछ भाग सोमेश्वर व राजमहल की पहाड़ियों से टकराकर बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा कराता है। यहाँ पे पड़ती है आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी ये जो है आपका इस तरीके से जो है इधर इस वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी पड़ती है नेपाल में, तो इनसे टकराने के पश्चात ये जो बिहार वाला रीजन है यहाँ पे वर्षा अच्छे से कराता है।
ठीक है, और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग भी जो है वर्षाधित होता है। इसका कुछ भाग गारो खासी जयंतिया, मैंने बताया कि यहाँ से इधर चल जाएगी आपका उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा कराएगी, और इसका जो मुख्य भाग है वो कहाँ पे आपका ये जो गारो खासी जयंती है इसमें वर्षा कराता है। और चूंकि ये यहाँ पे कराने के बाद ये जो तीन पहाड़ियाँ हैं जो मानसून है ये आपका ये जो शाखा है आपकी कौन सी अरे पश्चिम बंगाल सॉरी बंगाल की शाखा सॉरी अरे बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो ये क्या करती है इसमें जो है गारो खासी जयंती में जो है फंस जाती है। फंस जाने का मतलब है कि क्योंकि पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि इधर से और इधर से इनके बीच में जो है अच्छे से ऐसे ही टकरा टकराने के बाद जो है अच्छे से वर्षा करा देती है। और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा जो है वर्षा दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि इसका कुछ भाग गारो खासी जयंती में फंस कर निकल नहीं पाती और यहाँ के मानसराम में सर्वाधिक वर्षा करा देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यह शाखा गंगा के मैदान में वर्षा कराते हुए दिल्ली में अरब सागरीय शाखा से मिल जाती है और अंत में यह पंजाब में वर्षा कराती है, और अंत में कहाँ वर्षा करा देगी ये पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत में मानसून प्रवेश कहाँ से करता है आपका पश्चिम बंगाल से सॉरी कहाँ से केरल से, और आपका अंतिम में वर्षा कहाँ पर कराता है पंजाब में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल के मालाबार तट पर, और सबसे अंत में वर्षा आपको कहाँ करा कहाँ देखने को मिलती है ये आपका पंजाब में। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ये वाला जो रीजन है आपका राजस्थान वाला रीजन, यहाँ पे वर्षा की मात्रा सबसे कम है, और यहाँ पे एक क्षेत्र मिलेगा आपको लद्दाख का क्षेत्र, यहाँ पे भी वर्षा की मात्रा सबसे कम है, इसलिए इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। आप भारत में जब मरुस्थल पढ़ेंगे या हालांकि मैंने पढ़ा दिया, तो तीन प्रकार के मरुस्थल दिखाई देते हैं, शीत मरुस्थल इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, और यहाँ पे जो कच्छ की खाड़ी है इसको सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय मानसून की जो रूपरेखा है उसको समझा, उसकी जो क्रियाविधि है उसको समझा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, हालांकि ये इतना विस्तृत रूप से मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि इसमें आपको और भी फैक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे ITCZ का क्या प्रभाव पड़ता है, अल नीनो किस का प्रभाव भारतीय मानसून पर किस प्रकार पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी इसके अन्य पहलू हैं, हालांकि अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह है ये उसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ अल नीनो ला नीना क्या होता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, तो ये अगर ये आपको बेनिफिशियल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।